नमस्ते दर्शकों, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है वरण बट्टी। वरण बट्टी बेसिकली इसकी आप लोगों ने दाल बाटी चूरमा के बारे में सुना होगा, जो राजस्थान की फेमस है। वरण बट्टी इज़ वेरी सिमिलर, बट हमारे महाराष्ट्र में खानदेशी अगर आप फूड सर्च करोगे तो उसमें वरण बट्टी जो है वो आपको टॉप लिस्ट में ज़रूर दिखेगा। तो उससे दाल बाटी से सिमिलर होता है वरण बट्टी। उसके साथ में एक बैंगन की सब्जी होती है, एक मिर्ची का सालन होता है। सो इट इज़ अ वेरी डिलीशियस डिश। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि वरण बट्टी कैसी होती है। ऑल्सो आज मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, तो आई विल ऑल्सो शेयर दैट सम मोमेंट्स विथ यू। सो आप लोग प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए, और मेरे शॉर्ट वीडियोज़ है जिसमें बहुत सारी फ़नी वीडियोज़ है, वो अगर आपने देखे नहीं है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो भी देखिए। सबसे पहले ना हमने दाल को कुकर में थोड़ा सा घी डाल के कुक किया, लाइक उसकी एक दो सीटी ली। जब तक दाल पक रही थी तब तक हमने जो एकदम घोट के बनाई हुई बैंगन की सब्ज़ी उसकी प्रिपरेशन की। ये स्पेशल ग्रीन कलर के बैंगन है जो जिससे बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और दूसरी तरफ मिर्ची को टुकड़ों में कट किया, क्योंकि मिर्ची का सालन बनाना था। वरण बट्टी के साथ बैंगन की सब्ज़ी और मिर्ची का सालन इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। मेरी मॉम ये दोनों भी चीज़ें बहुत ही कमाल की बनाती है। वैसे तो मम्मा हर ही चीज़ में एक्सपर्ट है, बट इन दो चीज़ों में शी इज़ एक्सट्रीमली फैबुलस। दूसरी तरफ हमारी बट्टी भी स्टीम होके तैयार थी। ये गेहूं के आटे से और मकई के आटे से बनती है, कॉर्नफ्लोर एंड व्हीट फ्लोर, सो इट्स वेरी हेल्दी। सो नाउ लेट्स मेक द बट्टी। तो इसको ऐसे हमने गोल गोल स्टीम कर लिया है। अब आप जिस शेप में चाहे इसे कट कर सकते हैं। आपको स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर कट करो, या फिर ऐसे सीधे सीधे स्लाइसेस चाहिए, स्लाइसेस करो, इट्स अपॉन यू। मैं क्या करूँगा, मैं सीधे सीधे इसको एक दो ऐसे फोर हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। और दूसरी तरफ ना हमारी दाल की भी तैयारी हो रही है, एज यू कैन सी। तो ये प्याज टमाटर सब कुछ अच्छी तरह से कुक हो गया है ना। अब हम इसमें ये जो दाल है ये वाली ऐड करेंगे। तो ये ना हमारी घोट घोट के बनाई हुई बैंगन की सब्जी भी तैयार है, और यहाँ पे हमारी जो बट्टी है वो भी डीप फ्राई हो रही है, एंड दिस तरफ वरण भी तैयार है। सो इट्स ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड नाउ। सो अभी फाइनली आई एम गोइंग टू एन्जॉय माई मील। आज बहुत दिनों के बाद वरण बट्टी का प्रोग्राम बना है, एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट। सो जल्दी से मील खत्म करके फिर अभी हमें शॉपिंग के लिए भी जाना है। सो मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। 2 hours later. सॉफ्ट है। यहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी डोरमैट्स है, क्योंकि आई थिंक हमने लास्ट टाइम भी यहाँ से एक परचेज की थी, बट वो इतनी कोई स्पेशल नहीं थी, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छी वैरायटी है। मैंने ना घर से निकलते वक्त एक लिस्ट बनाई थी कि क्या क्या खरीदना है, लेकिन अभी ऐसा है कि जो लिस्ट में है उसके अलावा बाकी सब खरीद लिया है। जो 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 खरीदना था वो अभी तक खरीदा ही नहीं है। सुपरमार्केट में आने का ये एक डिसएडवांटेज है कि जो हमें चाहिए होता है वो रह जाता है, और जो नहीं चाहिए वो खरीद लेते हैं। वैसे तो मैं कॉफ़ी कभी पीता नहीं हूँ, लेकिन ये सारे मग्स देख के ऐसा लगता है हम लोग भी कॉफ़ी पीना शुरू कर दें। यार ये क्रॉकरी वाले सेक्शन में ना बड़ा संभल के चलना पड़ता है, कहीं कुछ गिर विर गया, कुछ टूट वूट गया, मतलब खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। बात तो सही है। ऊपर से ट्रॉली भी ऐसे ऐसे करके हिल रही थी, कुछ कांच की प्लेट्स थी, मेरे को डर लगा कांच की प्लेट टूट ना जाए। लेकिन मैंने लास्ट मोमेंट पे ट्रॉली पकड़ ली।
शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। A few moments later. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अभी ना मैं ऊपर वाले सेक्शन में जा रहा था क्योंकि मुझे कुछ कपड़े और कुछ फुटवेयर देखने थे, बट ऊपर जाने के बाद मैंने देखा कि फुटवेयर में मुझे इतनी कुछ ज़्यादा वैरायटी मिली नहीं। कपड़ों में काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और बट कपड़ों की शॉपिंग के लिए मुझे लगता है कि कभी खास आना पड़ेगा अभी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा सामान था। लेकिन यहाँ पे ना ज़्यादातर लड़कियों के फुटवेयर थे, आई थिंक लड़कियों के लिए वैरायटी ज़्यादा थी, मुझे लड़कों के लिए ज़्यादा वैरायटी बिल्कुल नहीं थी। बट मैं बहुत देर तक चप्पल ढूंढ रहा था, मुझे स्लीपर्स ख़रीदनी थी, मुझे कई स्लीपर्स मिली नहीं। फाइनली बहुत देर तक ढूंढने के बाद एक कंपार्टमेंट में मुझे स्लीपर्स मिली और जब मैंने वहाँ पे जाके देखा तो दो साइज़ थी, एक जो बहुत ज़्यादा लूज़ थी, एक जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइट थी। तो फाइनली मैंने स्लीपर्स लेने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। तो दर्शकों, आज है अगला दिन यानी कि नेक्स्ट डे। कल एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जैसे आप लोगों ने देखा कि शॉपिंग पे गए थे तो बहुत सारी शॉपिंग की, फिर वो सारा सामान सॉर्ट करने में, कार में रखने में थोड़ा सा केओस हो गया था, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। लेकिन जब मैंने आज बिल देखा तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ। शॉपिंग करते हुए कैसा होता है कि हमें ध्यान नहीं होता कि हम क्या क्या ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, बस लो ट्रॉली में डालो, लो ट्रॉली में डालो। लेकिन जब मैंने बिल देखा तो मुझे समझ में आया कि काफ़ी अच्छी खासी शॉपिंग हो गई है। जस्ट हैव अ लुक। No, 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 no. मतलब ये ऑलमोस्ट 2 feet से भी ज्यादा लंबा बिल है। लेकिन ठीक है, नो वरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।